सब वेलकम टू द न्यू व्लॉग। और आज हम लोग आ चुके हैं उज्जैन और हम लोग उज्जैन में घूमने वाले हैं। यहाँ पे पूरा एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले हम लोग जाने वाले हैं महाकालेश्वर मंदिर में और वहाँ पे हम लोग घूमेंगे, पूरा आरती देखेंगे। इसके पहले भस्मा आरती हुई है तो उधर पे हम लोग नहीं जा पाए, लेकिन अभी दिन हो चुका है। हम लोग वैसे तो हम लोग रात को ही आ गए थे, अभी होटल पे रुके हुए, यहाँ पे नहा धो लिया है और अब सीधा जाने वाले हैं मंदिर। तो मंदिर चल के आप लोगों को सारा नजारा दिखाते हैं। सो मेरे साथ में मैं अकेले ही नहीं आया हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त भी आए हैं। ये देखो यहाँ पे सभी लोग रेडी हो चुके हैं जाने के लिए और अब चलते हैं फटाफट से मंदिर के लिए। तो गाइस अभी हम लोग मंदिर के लिए यहाँ से निकल चुके हैं। फिर हम पहुँचते हैं मंदिर से थोड़ी ही दूर एक गेट पर, जिस गेट का नाम है खेड़ापति हनुमान मंदिर। इस गेट को पार करते ही जिसके लिए हम लोग यहाँ पर आए थे उस मंदिर की एक झलक दिखी। श्रद्धालु करीब 1 किलोमीटर दूर से ही पैदल आना जाना चालू रखते हैं, कुछ लोग गाड़ी से तो कुछ लोग 1 किलोमीटर दूर से ही मंदिर की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन फिर वहीं हमारी नजर पड़ती है इन बच्चों पर। ये बच्चे खिलखिलाते हुए मासूम से टीका लगाकर लोगों का स्वागत कर रहे हैं। माथे पे तिलक लगाने के बाद हम सभी ने प्रसाद लिया। तो गाइस हम लोगों ने प्रसाद ले लिया है और अभी हम लोग एंट्री कर चुके हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। ये देखो प्रसाद हम लोगों ने सारी चीजें ले ली हैं और सभी फ्रेंड्स पीछे आ रहे हैं, लाइन में लगे हुए हम लोग। कहा जाता है उज्जैन के राजा महाकाल को माना जाता है। इसके बाद हम आपको काल भैरव जी के दर्शन भी कराएंगे। माना जाता है कि काल भैरव यहाँ के सेनापति हैं। धीरे धीरे करके हम पहुँच जाते हैं मंदिर के गेट और वहाँ हमें महाकाल जी के लाइव दर्शन हो रहे हैं। यहाँ पर टिकट द्वारा भी डायरेक्ट दर्शन होते हैं, आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं और वहाँ से आपको यहाँ पर डायरेक्ट दर्शन करा दिए जाएंगे। फिर भी कुछ भी कहो और फिर ऐसे सभी यात्रियों के साथ में धक्का मुक्की खाते हुए आगे बढ़ना, कुछ लोगों के साथ में बातचीत करना और महाकाल जी का गुण गाते हुए आगे बढ़ने का मजा ही कुछ और है। कुछ श्रद्धालु यहाँ पर लोटा में जल लिए आगे बढ़ रहे थे और आगे सामने सभी श्रद्धालु अपने पानी भरे लोटे को लेकर इस चौरस में डालते। जल चढ़ता होगा कि देखो पानी टाइट लगा के रखते। फिर हमने महाकाल जी के दर्शन किए जिसके लिए हम लोग यहाँ आए थे। इतनी ज़्यादा भीड़ होने के कारण लोगों को ज़्यादा समय तक यहाँ रुकने नहीं दिया जा रहा था। फिर हम मंदिर के बाहर आ गए जहाँ सभी श्रद्धालु इस यादगार पल को अपनी फोटो में कैद करके घर लिए जा रहे थे। मैं तो बस इस बात से खुश था कि यहाँ इतने सारे लोग होने के बाद भी नकारात्मक बातें नहीं थी। यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, पूरा मंदिर में आपको नहीं दिखा पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। सब लोग ये बाहर का यहाँ पे घूम रहे हैं। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और हमें ये मंदिर भी देखने को मिला। मंदिर में आरती हो रही थी और हम उसी वक्त मंदिर में पहुंच गए। हमने मंदिर की आरती की और भोलेनाथ जी के दर्शन किए। फिर हमें यहाँ एक नया दृश्य देखने को मिला, ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वाकई मंदिर घूमने में बहुत ज्यादा मजा आया। Yeah.
इसके बाद हम पहुँचे महाकालेश्वर म्यूज़ियम। ये म्यूज़ियम आपको महाकालेश्वर मंदिर के अंदर ही देखने को मिलता है। इस म्यूज़ियम के अंदर आपको भोलेनाथ जी के साथ बहुत सारे देवी देवताओं के प्रतिमा देखने को मिलती है। इस म्यूज़ियम के सामने ही महाकालेश्वर मंदिर का एग्ज़िट गेट है। इस म्यूज़ियम को देखने के बाद सभी श्रद्धालु इस मंदिर से बाहर की तरफ जा रहे होते हैं, साथ ही साथ हम भी उनके साथ इस मंदिर से बाहर जा रहे होते हैं। उज्जैन के और भी 5 से 6 मंदिर घूमने थे कि हमारे पास कोई भी साधन नहीं था। इस वजह से हम उस साधन को ढूंढ रहे थे जो कि हमें पूरा उज्जैन घुमा सके।